हेलो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मेटल के रिएक्शन HNO3 के साथ करवाने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उनको याद करने की टेक्निक हमने सीखी थी। हमने रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ भी कराई थी और हमने रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ भी करवा करके देखी थी, और उसमें यही सीखा था हमने कि प्रोडक्ट को किस किस तरह से याद रखा जाए। इस वीडियो लेक्चर में हमें HNO3 के रिएक्शन नॉन मेटल और मेटलॉइड के साथ में करवा रहे हैं और हमें इनके प्रोडक्ट किस तरह से लर्न करने हैं उसका तरीका हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आप ध्यान रहे, जब भी HNO3 के रिएक्शन आप नॉन मेटल या मेटलॉइड के साथ में करवाएं, आपको ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करना है और उस ऑक्सी एसिड में एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए एक्सेप्ट आयोडीन। ध्यान से सुनिए, HNO3 के रिएक्शन जब भी आप नॉन मेटल या मेटलॉइड के साथ में करवाते हैं तो आपको ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करना है और उस ऑक्सी एसिड में एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए एक्सेप्ट आयोडीन। जैसे हम बात करें कार्बन, कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +4 का ऑक्सी एसिड है H2CO3। एक और देखते हैं फास्फोरस, फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता है H3PO4। सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका ऑक्सी एसिड बनता है H2SO4। नेक्स्ट हम बात करें आर्सेनिक, इसका भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +5 में इसके ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है H3AsO4। सेम वही है, फास्फोरस आर्सेनिक सेम ही ग्रुप के मेंबर्स हैं तो ऑक्सी एसिड भी सेम ही बनता है। नेक्स्ट आता है टिन के लिए हम बात करें, ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +4 का ऑक्सी एसिड H2SNO3। तो यहां से आप देख सकते हैं, हमने कहा सभी नॉन मेटल या मेटलॉइड के साथ में जब भी आप HNO3 के रिएक्शन कराएंगे तो आपको ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करना है और ऑक्सी एसिड में एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में आयोडीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, लेकिन ये +7 का ऑक्सी एसिड नहीं बनाकर +5 का ऑक्सी एसिड HIO3 का फॉर्मेशन करता है। और गैसेस की बात करें तो इन सभी में NO2 गैस इवॉल्व होती है। तो आप इस तरीके से HNO3 की रिएक्शन नॉन मेटल और मेटलॉइड के साथ करवाकर इनके प्रोडक्ट को आसानी से लर्न कर सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हैं, पी ब्लॉक के ही हैं, ग्रुप नंबर 15। उनकी भी रिएक्शन मैं आपको यहीं पर लर्न करवा देता हूं कि उनके प्रोडक्ट को किस तरह से लर्न किया जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है NH4NO2, इसे हीट किया जाए तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, NH4NO3। इसे हीट किया जाए तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, और लास्ट आता है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसे हीट किया जाए तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। इन तीन रिएक्शंस में, इन तीन रिएक्टेंट के जनरल हीटिंग इफेक्ट से कौन सी गैस इवॉल्व होती है, इसके क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर के अंदर मिल जाएंगे। अब इसे कैसे लर्न करना है याद रखने के लिए देखिए, NH4NO2 में से आप कितने वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम देखें, यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन ट्वाइस H2 एंड ऑक्सीजन 2 है, तो 2 हमने यहां पे लिखा है, तो ट्वाइस H2 मैक्सिमम हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो
तो रिमेनिंग कितना बच रहा है उससे आप देखिए, नाइट्रोजन बचा हुआ है, चार हाइड्रोजन जा चुके हैं, अगेन नाइट्रोजन बचा हुआ है और ऑक्सीजन दोनों जा चुके हैं, तो हमारी गैस कौन सी बच रही है यहाँ पर, N2। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा ये N2 गैस से वो होगी। NH4NO3 की बात करें तो यहाँ पर भी हम मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर सकते हैं, ट्वाइस H2। जैसे ही दो हाइड्रोजन गए क्या बच रहा है देखो, यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ से बचा, चार हाइड्रोजन जा चुके हैं, नाइट्रोजन बचा हुआ है, दो ऑक्सीजन जा चुके हैं, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो हम बात करें तो कौन सी गैस सिवॉल हो जाएगी यहाँ पर, N2O। और NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसे हीट किया जाए तो सबसे पहले हम देखें यहां से कि मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं इसे N2 H8 Cr2 O7 की फॉर्मेट में लिख लिया मैंने इसे। यहां से हम मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर सकते हैं, 8 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं यहां पर, तो मैंने यहां से 4 वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया। रिमेनिंग क्या बच रहा है उससे देखिए, N2 यहां से बचा, 4H2O के साथ में 8 हाइड्रोजन जा चुके हैं, तो हाइड्रोजन कुछ भी नहीं बचा है। Cr2 यहां से बचा हुआ है, ऑक्सीजन कितनी जा चुकी है, 4 ऑक्सीजन जा चुकी है, तो 7 में से 4 ऑक्सीजन तो चलेगी, रिमेनिंग अभी भी कितनी बच रही है यहां पर, 3 ऑक्सीजन। तो आपके प्रोडक्ट देखिए, एक प्रोडक्ट मिला आपको नाइट्रोजन और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको Cr2O3। तो गैस पूछी जाए तो कौन सी, नाइट्रोजन, और साइड प्रोडक्ट पूछा जाए तो साथ में क्या मिलता है हमें, Cr2O3 प्रोडक्ट हमें एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तीन रिएक्शन आप इसी तरह से याद रख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो आसानी से इस तरह से आप इसे याद कर पाएंगे। पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम्स।